हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरटेनमेंट स्पाइसेस। मैं हूं आपके साथ अनामिका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म डंकी की। डंकी, जिसे पूरी दुनिया ने 5 में से या तो कभी 4 स्टार्स दे दिए हैं या फिर 5 out of 5 स्टार्स ही मिले, लेकिन मैं यहाँ डंकी को फुल स्टार्स देने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पे डंकी को 3 ही स्टार दूंगी, क्योंकि डंकी ने मेरे अकॉर्डिंग फिल्म नहीं बनाई है। जिस तरह से मैं फिल्मों को देखना पसंद करती हूँ, वो फिल्म ये नहीं रही। डंकी फिल्म में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस तरह से पठान जवान का हाइप रहा, जो इस साल जवान और पठान ने तहलका मचा दिया, जिस वजह से तीसरी मूवी से मुझे एक्सपेक्टेशंस रही, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। फर्स्ट हाफ में तो कुछ भी नहीं था, फर्स्ट हाफ के लास्ट में बताते हुए गए कि हाँ, डंकी भी कुछ है। स्टोरी बताते हुए इतनी ढीली, इतनी स्लो मूवी रही। उसके बाद जब इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हुई तो थोड़ी बहुत चीज़ें शुरू होने लगी, लेकिन उसे मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे शाहरुख खान की लाइफ में एक लड़की आई है, जिसे वो लंदन छोड़ने गया है, उसके बाद वो आती नहीं है, तो उसको फिर जब वो बुलाती है तो वो उसे लेने जाता है। यानी इन शॉर्ट बताएं तो अपने प्रेमिका के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसके लिए वेट करता है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ी सी जो डंकी की जो पूरी स्टोरी होनी चाहिए थी, उसको थोड़े से में दिखाया, वो भी इंटरवल के बाद, हार्डली 10 मिनट्स के लिए दिखाया होगा। मुझे इस फिल्म में कुछ पसंद नहीं आया। दोस्तों, फिल्म की कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर शाहरुख खान जो है, उनके कैरेक्टर को सभी ने देखा, वो हार्डी के कैरेक्टर में नज़र आए और सभी ने उनके कैरेक्टर को थोड़ा बहुत पसंद भी किया। तो वहीं अगर तापसी पन्नू के कैरेक्टर की बात करें तो वो अपने कैरेक्टर में फिट ही नहीं बैठती हैं। जहाँ उनको थोड़ा सा पंजाबी टच देना ही था, तो ऐसा लग रहा था वो उसमें जैसे घुस रही हो, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रही थी। तो वहीं अगर हम विक्की कौशल के कैरेक्टर की बात करें, तो विक्की कौशल एक प्रेमी होते हैं जो अपने लवर से मिलने की बहुत जहद करते हैं, लंदन जाना होता है उनको। लेकिन यार, विक्की कौशल भी मुझे ढीले नजर आए। मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत कुछ होना था और कुछ हुआ नहीं। बस इतना दिखा कि शाहरुख खान छोड़ने गए तापसी पन्नू को लंदन, और फिर वहां से उनको लेकर आए, और वो भी बहुत सालों बाद, 25 साल बाद उन्हें लेकर आए। और उसके बाद जैसे ही वो उसको लेकर आए, तो वो उसे प्रपोज करने वाले थे, और जब भी वो प्रपोज करने वाले थे, वो मर जाती है। भैया, इतनी सी ही मूवी होती है। डंकी में बहुत कुछ दिखा सकते थे। पहली बात तो डंकी का मतलब अगर आपको नहीं पता, तो आप अच्छे से आप देख लीजिएगा, डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। और डंकी का जो मतलब है ना, वो सिर्फ हार्डली 10 मिनट ही दिखाया गया होगा, और फिल्म का नाम रख दिया डंकी। भाई, स्टोरी कमाल की बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे स्क्रीन प्ले भी मज़ा नहीं आया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी। इस फिल्म को मैं 3 out of 5 दूंगी, क्योंकि जिस तरह का एक्सपेक्टेशन इस मूवी से रखा गया था, वैसा नहीं था। माना जाता है कि फिल्म का जो ट्रेलर था वो अच्छा नहीं था, लेकिन आप अगर देखें तो शाहरुख खान की दोनों फिल्में बहुत अच्छी रही, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत रही भी थी कि हाँ चलो, ट्रेलर अच्छा नहीं है तो फिल्म कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन फिल्म में कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, एक गाना है ना फिल्म में, मैं लुट पुट गया, भाई साहब मैं तो लुट गई फिल्म में। पैसे लगा के 250 रुपये भी मेरे को लगाना ना बहुत भारी पड़ा है इस फिल्म में। अगर आप भी लुट पुट गए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें थी, और आपको शाहरुख खान कैसे लगे, और लास्ट फिल्मों में से शाहरुख खान की कौन सी अच्छी रही फिल्म, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं लुट पुट गया।